और वेलकम टू ईरान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वानिया बहुत ज़्यादा रो रही है, तो वानिया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मैं नज़र नहीं आ रही, तो मैंने सोचा आपको इस तरह दिखा दूँ। मैं बैठ चुकी सर, तो इस वक्त मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। हमारी कहीं पे दावत है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ईरान में आज हमारा तकरीबन छठा दिन है, लेकिन वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही। इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे जो है ना सिम का कहीं से बंदोबस्त हो। यहाँ जो ईरानी सिम चलती है उसको मैं पैकेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब तक सिम नहीं मिली है। तो इंशाल्लाह अभी हम दावत पे जा रहे हैं, तो यहाँ के रास्ता, और मैं कोशिश यही करूँ कि आप मैं अपने आप को ना दिखाऊं, और इतना मेकअप मैंने आज थोपा हुआ है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह रिवायत है कि हम लोग चादर से बाहर जाते हैं। A few moments later. अब हम पैदल का सफ़र कर रहे हैं, बाकी सब लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं आगे आगे जा रही क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, और बाकी में कोई वीडियो में नहीं आता, तो इस वजह से मैं कोशिश ये करी कि कोई वीडियो में नज़र ना आए। तो आगे आप लोग को बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। और मैं खुद भी बहुत करीब हूँ, और धूप है, मुझे नहीं पता कि मेरा फेस कैसे नज़र आ रहा है। बस मैं वीडियो बना रही क्योंकि यहाँ पे औरतें काफ़ी पर्दा करती हैं, तो फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ अब भी कुछ इस तरह के घर हैं, लेकिन ये कार वॉशिंग की जगह है। और आगे मैं आपको पहाड़ दिखाने वाली हूँ, और ये मेरा साया। वानिया, आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? गुड। वानिया को यहाँ पे दिल लग गया, वानिया का बहुत ज़्यादा। ये चेक करें कितना खूबसूरत नज़ारा है, सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ और खजूर के दरख्त हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना घर बन रहे। ये थोड़ा मैंने कैमरा जूम करके आपको दिखाया है, और यहाँ पे अब जो है ना काफ़ी यानी आबादी के लिहाज से घर बन रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये सारे खजूर के दरख्त। घर करीब आ गया और मैं जा रही हूँ वहाँ पे, अब मैं वीडियो बाद में बनाऊँगी इंशाल्लाह। और मेरे पीछे वो पहाड़ चेक करें, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ का वेदर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। शाम होते ही यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं, और ये रोड है, मेन रोड है। अब इस रोड से हम उस तरफ जा रहे हैं, ये मेन रोड है, और रोड के उस तरफ कोई छोटा सा पार्क है जहाँ लोग ऐसे ही वॉक के लिए निकलते हैं, और मैं वहीं पर इस वक्त जा रही हूँ। ये यहाँ पे एक और गाड़ी भी आ चुकी है। यहाँ पे जो है ना अक्सर सांप वगैरह भी होते हैं, इन यहाँ पे लिपटे हुए होते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ के सभी लोग आदि हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ का मौसम जो है ना इतना मज़ेदार है। ये देखिए कितने ज़्यादा खजूर हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। पीछे असल में नीचे कांटे वगैरह लगाए हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे पौधे भी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं। और यहाँ में इसमें जो ज़्यादा रेड है, आप अगर इसको तोड़ेंगे और खाएंगे, ये बहुत ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठे हो रहे हैं ये। और लेकिन मैं अभी नहीं तोड़ रही, ये भी बहुत मीठा है, मैं ये खा के देखती हूँ, और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे, ये देखे सूरजमुखी का फ्लावर है। बाकी सब उधर एंजॉय कर रहे हैं, मेरी फैमिली माशाल्लाह से, लेकिन मैं वहाँ उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ इस वजह से, क्योंकि वो लोग वीडियो में नहीं आएंगे। तो मैं अभी आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगी।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि घर जाके एंडिंग नहीं हो पाएगी, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे इन वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ का, जब मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ यहाँ का माहौल आपको दिखा सकूँ। तो बस सब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि मगरिब होने वाली है, तो फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और बाकी यही कहूँगी कि माजरत करती हूँ अगर वीडियो लेट आ रही है, तो फिर भी प्लीज़ सपोर्ट उसी तरह करें, प्यार उसी तरह करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।